आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है चंद्रशेखर रावण। वाल्मीकि समाज की लड़की ने जारी किया भीम आर्मी संस्थापक का वीडियो, कहा शादी भी छिपा कर रखी। स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही रोहिणी घावरी ने उत्तर प्रदेश के नगीना से चुनाव लड़ रहे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण पर बड़ा आरोप लगाया है। रोहिणी घावरी पहले ही खुलासा कर चुकी हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ रिलेशनशिप में थी और वहां उन्हें धोखा मिला। मध्य प्रदेश के इंदौर के सफाई कर्मचारी की बेटी रोहिणी ने चंद्रशेखर का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वो उनके साथ वीडियो कॉल पर हैं और रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण कई लड़कियों के साथ खेल चुका है। इस वीडियो को जारी करते हुए रोहिणी घावरी ने कहा कि उन्होंने झूठे आंसू दिखा दिखा कर उन्हें उन पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। बकौल रोहिणी, ये उनकी गलती है कि रावण को उन्होंने सच्चा आंदोलनकारी इंसान मानकर उनके साथ खड़ी हो गई। रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने उस समाज के सामने उन्हें झूठा साबित कर दिया, जिसके लिए वो विदेश में रहकर भी सोचती हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सच्ची लड़की होने की सजा भुगती। अकेले रहकर जिस मानसिक पीड़ा से उन्होंने खुद को संभाला, उसके बारे में वही समझती हैं। उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा, अब कभी जीवन में किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए शादी रिश्ते जैसी चीज़ों से बहुत दूर हो चुकी हूं। अब मेरा बचा हुआ जीवन देश और समाज को समर्पित। मैं झूठे आरोप झेल झेल कर थक गई हूं। अब जब भी कुछ अच्छा करती हूं, लोग मेरा चीरहड़र करना शुरू कर देते हैं। एक लड़की होने की खूब सजा मिल रही है मुझे, जैसे पूरा समाज बेवकूफ़ बन रहा है, मैं भी बन गई। मैंने तो पूरी ईमानदारी से दूसरे देश में रहकर भी साथ निभाया था, यही सोच के त्याग था कि समाज के लिए दोनों मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। देखा इस रिपोर्ट में। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।